तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजीत कुमार। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी होती क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी क्या होती है। तो जिस समय एक महिला माँ बनती है या एक महिला को गर्भ में या गर्भावस्था में भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण का विकास होता है, उसे प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रेगनेंसी को। ऐसा देखा जाए तो प्रेगनेंसी को 9 महीने में तिमाही में बांटते हैं। हर तिमाही में 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी में, या हर 3 माह को तिमाही कहते हैं। हर 3 माह को हम लोग तिमाही बोलते हैं, जो भी प्रेगनेंसी होते हैं उसमें। इसके बाद हम जानेंगे जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट तिमाही होती है, उसको जब फर्स्ट वीक से शुरू होती है, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट तिमाही होती है उसको फर्स्ट वीक से शुरू होती है। यानी जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट तिमाही होती है वो फर्स्ट वीक से स्टार्ट होकर 12 वीक में जाकर समाप्त होती है। यानी कि 3 माह पे जाके प्रेगनेंसी की फर्स्ट तिमाही समाप्त होती है। और उसके बाद दूसरी जो तिमाही स्टार्ट होती है, जो उसकी दूसरी तिमाही स्टार्ट होती है, उसको 15 वीक में जाके, मतलब 15 वीक तक रहती है जो दूसरी तिमाही होती है प्रेगनेंसी का, 15 वीक तक रहती है। लेकिन बट उसके बाद लास्ट और अंतिम जो तिमाही होती है वो शुरू होती है 28 वीक से, मतलब 28 वीक से शुरू होती है। और बच्चे के जब तक जन्म होती है उस समय जाके इन होती है, उस समय जाके तीसरी तिमाही यानी कि लास्ट तिमाही जो होती है समाप्त होती है। कौन कौन से लक्षण होता है और इसको कैसे रोकथाम या वगैरह क्या क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसे बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।